न्यायालय से मिली जमानत पर जमानत देने वाले दो व्यक्तियों को राठ कोतवाली प्रभारी ने बुलाकर बुरी तरह पीटा व जमानत देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामला जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली का है, जहां पर एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत मिलने पर जमानत देने वाले दो व्यक्तियों को राठ कोतवाली प्रभारी राजेश कमल ने कोतवाली में बुलाकर जमकर मारपीट की और जमानत देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर कोतवाली से भागे हैं। जमानत देने वाले दोनों पीड़ितों ने बताया कि कोतवाली प्रभारी राजेश कमल ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे तब तक जमानत नहीं होगी और ना ही तुम जमानत दे सकोगे, परंतु जमानत देने वाले दोनों व्यक्तियों ने राठ सिविल जज से लिखित शिकायत देकर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि जमानत देने पर कोतवाली प्रभारी ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। अमर सिंह दोनों ने खालिद की जमानत दी थी, इसलिए तस्दीक के लिए कोतवाल साहब ने थाने में बुलाया। उनको अंदर जाकर बहुत मारपीट की है और धमकाया कि साले खालिद की जमानत दी तो मैं भी गांजा लगा के भेज दूंगा जी, बस और धमकी देता रहा है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। तो क्या घटना हुई आपकी? हमें पुलिस साहब ने बुलाया, हम जमानत देने दी थी हमने खालिद की, और फिर हम थाने में बुलाया, बोले तो नहीं जवान थी, हम दोनों गए अंदर, अंदर बुलाया, फिर हम दोनों को मारा, बोले अच्छा साले तुम खालिद की जमानत दे रहे हो, हम पकड़ के लाते हैं, तुम सारे जमानत देते हो, कह रहे थे गांजा लगा देंगे, फूका देंगे, वो हमको मारा, बहुत मारा। क्या चाहते हो? हाँ, अपना न्याय चाहते हैं अपने। किसने मारा? बड़े साहब ने मारा। हरी सिंह। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमको बुलाया थाने में बड़े साहब ने, और अंदर घोंसा और बस मारने लगा, गाली दिया, फिर मारने लगा, बहुत मारा। किस उद्देश्य से बुलाया था? जमानत दे, जमा क्यों, हाल की जमानत क्यों दे रहे हो? मारपीट कर दिया। मारपीट कर दिया। आप जमानती थे? हाँ, जमानती। किस गांव के हो? घोड़ेरा। क्या नाम है जिसने मारा है? राजेश